प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में कुल 55% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा गोंडा में 70% मतदान हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। बदायूं में होगा पुनर्मतदान। बैलेट पेपर लेकर भागने के चलते राज्य निर्वाचन आयुक्त ने लिया फैसला। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। गुजरात चुनाव से पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। बोले, कांग्रेस ने मानी पटेलों को आरक्षण देने की मांग। बीजेपी ने उठाए आरक्षण के लॉलीपॉप पर सवाल, तो कांग्रेस बोली आरक्षण संवैधानिक तरीके से ही होगा। पटेलों को आरक्षण देने के कांग्रेस के भरोसे को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने धोखा बताया। बोले, संवैधानिक हिसाब और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आरक्षण देना संभव नहीं। कांग्रेस पटेलों को दे रही है धोखा। देहरादून में विकास के नाम पर बड़ी धांधली की खबर सामने आई। ऐसी जगह बनाया गया बस स्टॉप जहां से एक भी बस और ऑटो नहीं गुजरता। प्राइम न्यूज ने उठाए सवाल, क्या बस स्टॉप बनाने के नाम पर पैसों की गई बंदरबांट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग आज शाम 5 बजे खत्म हो गई। मतदान के दौरान कहीं कहीं हल्की नोकझोंक और मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आईं। इसके बाद 26 और 29 नवंबर को दो और फेज होने हैं, दो और चरण होने हैं। इस बार के निकाय चुनाव में कुछ बातें नई हैं। कुछ नए नगर निगम शामिल किए गए हैं। सभी बड़ी पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। हम लोगों ने लगातार चर्चा की है। आमतौर पर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री कैंपेन नहीं करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस इलेक्शन में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम सबने ये देखा है, उन्होंने कई रैलियां की हैं और कई करने वाले हैं। सवाल यह है कि योगी लोकल बॉडी के इलेक्शन पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। कल भी हमने जब प्रथम चरण की पूर्व संध्या पर बहस की तो इसको समझने की कोशिश की थी। जबकि विपक्ष, चाहे वो बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी शांत दिख रहे हैं। निकाय चुनाव में इस उल्टी गंगा के बहने के कई सियासी मायने देखे और दिखाए जा रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें ये लगता है कि अभी लाख हाय तौबा मचा लें, कुछ होने वाला नहीं है। हवा बीजेपी की है और वोट भी उसी को मिलेगा। विपक्ष की राय में तस्वीरें भी साथ साथ देखते जाइए, आज जहां जहां वोटिंग हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी इतनी एक्टिव क्यों दिख रही है, अब सवाल ये उठता है। खुद सीएम योगी इसकी कमान क्यों संभाले हुए हैं, सवाल ये भी है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का कनेक्शन कहीं गुजरात से तो नहीं है। कई सवाल है जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे सीएम बनने के बाद योगी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पहला बड़ा चुनाव है। अगर वो पहले इम्तिहान में पास होते हैं तो ये बीजेपी के लिए 2019 की तरफ एक बेहतर इशारा होगा। कोई माने या न माने, कम से कम बीजेपी ये जरूर मानती है कि लोकसभा चुनाव में जीत का एक रास्ता इन लोकल बॉडीज के चुनाव से, निकाय चुनावों से होकर गुजरता है। निकाय चुनाव में योगी के एक्टिव होने की वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस को दोहराने का उन पर दबाव है, इसलिए कैंपेन की कमान उन्होंने खुद संभाली हुई है और संभाल रहे हैं। वहीं पिछली बार नगर निकाय चुनाव में से 12 नगर निगमों में 10 में बीजेपी के मेयर जीते थे। योगी पर इस प्रदर्शन को फिर से कर दिखाने का मौका और दबाव दोनों है, यानी प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। एक वजह यह भी है कि सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वो भी निकाय चुनाव में कैंपेन किया करते थे। मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राजनाथ सिंह ने कभी निकाय चुनाव के लिए कैंपेन नहीं की।
एक खास वजह और भी है और वो ये कि नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जो भ्रामकता फैलाई गई या जो कठिनाई पार्टी को हुई उसे दूर करने और पार्टी कारोबारियों को अपने फेवर में लाने के लिए भी रूट लेवल पर काम करना चाह रही थी, जो काम उसने इन निकाय चुनाव में करने की कोशिश की है ताकि आगे के लिए कोई असमंजस की स्थिति न रहे। और यही वजह है कि इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी कारोबारियों को ज्यादा मौका दे रही है, दिया है। अगर आप टिकट बंटवारे को उस लिहाज से देखें तो आज जो पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है जिसमें तकरीबन 55% मतदान हुआ है और ये जो विश्लेषण है इस पर हम फोकस करेंगे प्राइम एजेंडा में। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, वो तस्वीर जरा आप देखिए। मेरठ की ये तस्वीर है और वीडियो में मेरठ के वार्ड नंबर 89 नवासी के मतदाता तस्लीम आरिफ हैं, जो कि वोटर हैं, ईवीएम के खराब होने का दावा करते दिख रहे हैं। तस्लीम आरिफ मायावती के उस दावे को पुख्ता करते दिख रहे हैं जो मायावती बीजेपी पर पहले लगा चुकी हैं। दरअसल वीडियो में ये कहा जा रहा है, हम साउंड आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी का बटन दबाने पर ईवीएम में कमल के सामने लाइट जलती है। तस्वीर में आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता भी चलेगा, मोबाइल से किसी ने ये वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। तस्लीम आरिफ नाम का ये युवक बटन कहीं दबा रहा है और लाइट कहीं जल रही है। सोशल मीडिया पर आज इस तरह के 3-4 वीडियो वायरल हुए हैं जो कि मेरठ से आए हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत तरह की खबरें वायरल होती हैं, कुछ विश्वसनीय होती हैं, कुछ अविश्वसनीय होती हैं, लेकिन निकाय चुनाव से जुड़ा एक तथ्य और एक तस्वीर आपके सामने आई, इसलिए हमने वो आपके सामने रखी। हम आपको ऑडियो सुनवाते हैं कि ये युवक क्या है, क्या रहा है, जो कि वोटर है, देखिए क्या कह रहा है। इसकी बात सुनिए, समझिए, फिर हम चर्चा पर आए। मैं तस्लीम आरिफ, सुबह जो है मैं अपनी वोट डालने आया और जो है मैंने हाथी के बटन पे उंगली दबाई, जो है वोट जो है फूल को जा रही है, ये सामने सबूत है, मैंने इसे उंगली को नहीं हटाया। एक घंटे तकरीबन ये इसी पे उंगली लगा रहे, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, मशीनों में गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा। बोलो, मैं तस्लीम आरिफ, सुबह जो है मैं अपनी वोट डालने आया और जो है मैंने हाथी के बटन पे उंगली दबाई, जो है वोट जो है फूल को जा रही है, ये सामने सबूत है, मैंने इसे उंगली को नहीं हटाया। एक घंटे तकरीबन ये इसी पे उंगली लगा रहे, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, मशीनों में गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा। कैसे रहेगा वो? मेरठ की ये तस्वीर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आरिफ तस्लीम इसका नाम बताया जा रहा है और वार्ड नंबर भी है 89, यानी नवासी नंबर वार्ड में जहां पोलिंग बूथ था वहां ये वोट डालने गया। और आपने ऑडियो में सुना, वो ये कह रहा है कि हम एक घंटे से कोशिश कर रहे हैं, ये बीएसपी को वोट डालना चाहता था, हाथी के सामने ये बटन दबा रहा था। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। अगर मुद्दा उठता है इसकी जांच हो न हो, हालांकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीएसपी ने और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से ईवीएम के मैनेज और टेंपर होने के आरोप लगाए थे और इसने ये कहा है कि हम हाथी के निशान के आगे जब बटन दबा रहे हैं तो जो लाइट जल रही है वो कमल के निशान के आगे चल रही है, ये इस व्यक्ति का आरोप है। अब हम अपने मेहमानों से परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ आज दिल्ली स्टूडियो में पीयूष पंत जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं लखनऊ स्टूडियो से, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, अजय जी स्वागत। नवीन श्रीवास्तव जी, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, नवीन जी स्वागत। संजीव मिश्रा, नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वागत मिश्रा जी। और के पांडे जी हमारे साथ हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। के पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस पर कमेंट सर, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। आज पहले चरण का रण खत्म हुआ है, दो रण हैं, लेकिन ये रण ऐसा है जहां प्रचार में सत्ता पक्ष ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पीयूष जी, मेरठ की तस्वीर क्या बता रही है, ये सिर्फ प्रचार है या थोड़ा यकीन करने लायक भी है, इसे चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, राग वही पुराना है जो विधानसभा चुनाव में हमने सुना और देखा था। देखिए राजीव जी, ये अब कितना ये इस पर हम विश्वास करें, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये, और ये कैसे लिया गया वीडियो, ये भी एक सवाल ये भी है।
कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, वो कुछ बोल रहा है सर जो हमने ऑडियो सुनाया, और कोई उसको मोबाइल से शूट कर रहा है, अब तक देखने में ऐसा लगता है। लेकिन लेकिन जो जाते हैं पोलिंग बूथ में तो व्यक्ति ही जाता है जिसको वोट देना होता है, साथ में कोई और नहीं जाता है, ये भी एक सवाल है। तो ये कितना सच है कितना गलत है कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी आज दिन भर खबरें बहुत आई हैं, मेरठ में ही नहीं कानपुर से बहुत खबरें आई हैं, जो वीडियो नहीं खबरें आई हैं वहां पे लगातार, बकायदा वहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है कि बहुत सी ईवीएम मशीन खराब थी। और कानपुर में तो लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि यही इसी तरह का आरोप लगाया है कि हम बटन दबा रहे हैं किसी और पे और बत्ती जल रही दूसरी जगह, या साथ साथ दो जगह बत्ती जल रही है। तो ये तमाम बहुत सी घटना, देखिए विधानसभा वाले में तो ये बाद में ये बात उठा था, जब चुनाव के रिजल्ट आए और जो परिणाम आए, बिल्कुल तब उसमें ये शंका थी कि जब लोग हार गए तब इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो निकाय के चुनाव हुए आज के, उसमें साफ साफ जो लोग चुनाव मतदाता हैं उन्होंने ये शिकायत करी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। एक जगह तो एक बूथ पे तो जो है कि पीठाधीन अधिकारी जो था उसको भी हटाया गया है वहां से, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां मिल रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। और बहुत सी ईवीएम मशीन की गड़बड़ियां तो बहुत सारी मिली हैं, बहुत से केसेस मिले हैं। तो निश्चित रूप से ये देखिए इस तरह के सवाल उठेंगे, इसका निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और खासकर जो है कि जो चुनाव आयोग है उसको तुरंत इसमें फौरी तौर से कार्यवाही करनी चाहिए और ये पुख्ता करना चाहिए कि मशीनों में कोई गड़बड़ी न हो, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के बाद जो आरोप विपक्षी दलों ने लगाए थे वो कहीं सच अब साबित न हो जाए, इस बात का भी एक खतरा है। ये खतरा है। हम अजय कुमार जी से सर कमेंट लेते हैं। अजय जी, इतनी बड़े पैमाने पर मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत क्या चुनाव आयोग के द्वारा अधूरी तैयारी की तरफ इशारा कर रही है? एक, और इस तरह की जो तस्वीरें वायरल हुई या हो रही हैं, हम मेरठ की दिखा रहे हैं, अभी पीयूष जी कह रहे थे कि हमने कानपुर और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की तस्वीरें देखी हैं जहां वोटर आरोप लगा रहे हैं, वोटर कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, हम बटन कहीं दबा रहे हैं दब कहीं रहा है, या हम वोट कास्ट कर रहे हैं दो जगह बत्ती जल रही है, ये क्या है सर? विधानसभा चुनाव के बाद जैसे आरोप लगे थे वो आशंका कहीं बलवती तो नहीं हो रही है? राजीव जी, मैं पीयूष जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं, एक गंभीर मामला। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कई बैठकें की थी, जिलों जिलों में जाकर के वहां डीएम के साथ बैठक की, मंडल स्तर पर कमिश्नर के साथ बैठक की, और उसके बाद भी ये पूरी तैयारी न हो करके जिस तरह से सोशल मीडिया के इस वीडियो में दिखाया गया है, कितना सही है गलत ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक चीज वहां संदेह पैदा कर रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है कि हम एक घंटे से उंगली दबाए हुए हैं एक अमुक बटन पर, तो अब एक घंटे का समय कहां मिलता है, एक जांच का विषय है। फिर किस पोलिंग बूथ का है, कितनी देर रहा, लेकिन हाँ एक बात जरूर उसमें दिख रही है जो जांच का विषय है कि वो दबा कहीं रहा है और लाल बत्ती किसी और निशान पर दब रही है। और यही बात अभी कानपुर में 93 वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है, खराब पाई गई। तो अब ये किस तरह से आधी अधूरी तैयारी के बीच ये नगर निकाय के चुनाव हुए, ये गंभीर विषय है, इस तरह की जांच होनी चाहिए और बहुत जल्दी दूसरा फेज शुरू हो उससे पहले जांच करके इसका रिजल्ट बता दिया जाना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव दूसरे चरण पर पड़ेगा। और वो सर इसलिए भी बताना जरूरी है, इसलिए भी सर बताना जरूरी है कि चुनाव की निष्पक्षता चुनाव आयोग बनाए रखे, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि दूसरे फेज से पहले इस तरह की गड़बड़ियों को दूर कर लिया जाए। के पांडे जी, कांग्रेस पार्टी सर इसे कैसे देखते हैं? राजीव जी, विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, इसके बाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाना शुरू किया, धीरे धीरे और लोगों ने भी इस आरोप पे कहीं ना कहीं मतलब सत्यता देखी और संदेह व्यक्त करना शुरू किया। और आज मैं अपने जनपद आजमगढ़ की ही बात कर रहा हूं, तीन बूथों पे हंगामा हुआ केवल इस बात को लेके कि बटन कहीं दबाई जा रही थी और बटन कमल के फूल पे वो मतलब लाइट आ रही थी, ऐसा तीन जगहों पे हुआ है। और सबसे और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। बाराबंकी में चुनाव हो रहा है हर जगह, बाराबंकी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पति जो चेयरमैन हैं रंजीत बहादुर जी, वह खुलेआम बोलते हैं कि यह चुनाव
एक वर्ग को एक संप्रदाय को धमकी देते हैं कि अगर आप चुनाव में नहीं आते हैं हमारे साथ तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहिए। और मेरे समझ से चुनाव आयोग अब तक संज्ञान नहीं लिया, जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को कोई पार्टी लिख के कंप्लेंट ही करे, ये स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, वह एक स्वतंत्र व्यवस्था जरूर है लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में इसलिए भी है कि मैं तो दो तीन जिलों की बात कर रहा हूं, स्थिति यह है कि वोटर लिस्ट से सम्मानित तो लोगों के नाम कटे हुए हैं। अरे साक्षी महाराज, साक्षी महाराज का ही दिखाया जा रहा है। आज हमारे पांडे जी, आज में बड़ी खबर यह रही कि सांसद साक्षी महाराज का नाम गायब था वोटर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस की सांसद पूछा था अनुज मतलब इस तरह से, अगर यह क्या तैयारी रही, अगर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को कहा जाए तो इसका मतलब है कि आधी अधूरी चुनाव पे यह चुनाव कराया जा रहा है। और जैसा श्री अजय कुमार साहब ने कहा कि और निश्चित रूप से दूसरा चरण 26 तारीख को, उसके पहले चुनाव आयोग अगर हो सके तो, अगर चुनाव आयोग कहीं से निर्देशित न हो रहा हो तो चुनाव आयोग कम से कम ये जो भी कमियां पहले चरण में देखने को मिली इसे दूर करने का काम करें। वैसे इन सबों के बावजूद भी राजीव जी बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह की वोटिंग हुई है वह वोटिंग निराशा का परिणाम रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट गोरखपुर की वोटिंग से ही हम शुरुआत करेंगे कि गोरखपुर हो चाहे अयोध्या हो, जो इनका सबसे बड़ा गढ़ है, अयोध्या गोरखपुर बनारस इनके सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उन जगहों पे तमाम चाहे कोई भी बटन दबाने पे कमल के फूल की बटन दब रही हो, इन सारे के बावजूद भी स्थिति इनकी तमाम के बावजूद भी बहुत अच्छी नहीं है और इन जगहों पर हम चुनाव जीत रहे हैं, यह बड़े दावे से आपके चैनल पे कह सकते हैं। चलिए अच्छी बात है सर, एक तारीख को जब ईवीएम से वोट बाहर आएंगे तो हम देखेंगे किसका दावा कहां पर टिकता है। संजीव मिश्रा जी, हम नवीन जी से इन सारी चीजों के जवाब लें, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ये मशीनों की गड़बड़ी, कैसे देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को? क्या बीएसपी जो सुर विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद उठा रही थी, समाजवादी पार्टी भी वैसे ही सुर कुछ अब उठाएगी या अभी भी नहीं, जल्दबाजी है और इंतजार करेंगे? देखिए राजीव जी, आज दिन भर जो प्रथम चरण का मतदान था उसमें दिन भर चैनलों पे आता रहा कि ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी के कारण लोग वहां पर आक्रोशित होते रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, घपलेबाजी हुई, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि ये तो है ही है कि साक्षी महाराज और अनु टंडन जी का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे समाजवादी लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। और जब उन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए लगभग सब में वोट डाले हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो कहने का मतलब ये है कि डबल इंजन की जो सरकार है इतनी घबरा गई कि मुख्यमंत्री खुद आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी स्थितियों को देखते हुए जहां निष्पक्ष चुनाव चाहिए थे वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी, तो एक संदेश जा रहा है कि आप गुजरात में भी घबरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी घबरा रहे हैं, धरातल पर जो दल विकास नहीं करते राजीव जी, जनता उन्हें माफ नहीं किया करती, ये कर कितनी भी गड़बड़ी ले। लेकिन जो आपने कहा कि एक तारीख का रिजल्ट बताएगा कि इनकी स्थितियां क्या है, इनका पैमाना तय करें, मैं समझता हूं कि तब तक का इंतजार जरूर करना है और जनता को भी देखना है कि 15-20 साल से जो नगर निगमों में कूड़ा जमा हुआ है जी, उनको साफ करने का समय है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बढ़िया समय, अच्छी बात है, मैच्योर बात है, एक तारीख तक आप इंतजार करना चाहते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए, विकासवादी लोगों को, निकाय चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, पैनल में तमाम लोग उठा रहे हैं, चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि साहब जल्द से जल्द वो प्रक्रियाएं की जाएं जिससे कि निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, हमें पता नहीं ये संयोग है, देखिए मेरठ की जो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं उसमें एक संयोग है कि बीएसपी को वोट पड़ना था और बीजेपी को जा रहा है, ये सुर हमने विधानसभा चुनाव के बाद सुने थे, कुछ वैसे ही अब सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संशय हमें हो रहा है। लेकिन जैसे पीयूष जी ने कानपुर का जिक्र किया, के पांडे जी ने आजमगढ़ का जिक्र किया और भी कई इलाकों में ऐसा हुआ, क्या वाकई निष्पक्षता पर सवाल है निकाय चुनाव की? देखिए राजीव जी, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी, ईवीएम मशीन है, गड़बड़ी होती रही है, उनको रिप्लेस करके दूसरी मशीनें लगाई जाती हैं,
लेकिन मैं ये जो अभी मेरठ की घटना दिखाई जा रही है बहुत हास्यास्पद है, और यह एक जानबूझ करके यह एक चीज उठाई गई है अपनी संभावित हार को देख के। जैसे विधानसभा में बुरी तरह से बसपा हारी और कही कि ईवीएम मशीन से इस तरह से कर दी गई चीजें, बहुत सारे प्रांतों में इस देश में चुनाव हुए राजीव जी जहां भारतीय जनता पार्टी हारी भी है, पंजाब में हारी, अभी चित्रकूट का उपचुनाव हुआ हारे, अगर ईवीएम मशीन के आधार पर नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और बड़ा अफसोस है मुझके कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, एक सोशल मीडिया के उस पर जो है हास्यास्पद, जो व्यक्ति कह रहा है कि एक घंटे समय, क्या आपने भी वोट दिया, हमने भी दिया, सबने वोट दिया है, क्या किसी व्यक्ति को वोट देते समय वहां पर एक घंटे खड़े रहने की अनुमति होती है क्या? यह बहुत हास्यास्पद है और यह ऐसा विषय जिस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग की निष्ठा और उस पर कभी प्रशंसित नहीं होना चाहिए। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई होगी, वो रिप्लेस होती है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है। दूसरी बात मैं राजीव जी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में इस जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पिछले 15 वर्षों से निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि वहां चुनकर बैठे हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 5 साल उत्तर प्रदेश का एक विनाश मंत्री, नगर विनाश मंत्री, उसने 5 साल उत्तर प्रदेश में हमारे चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के मेयर चेयरमैनों को एक भी काम नहीं करने दिया, जिसके वजह से शहरों का विकास अधूरा रह गया। आज ईश्वर की कृपा से केंद्र में माननीय मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इस सुनहरे अवसर को पुनः जो है उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनकर जो नगर से संबंधित विकास अधूरे रह गए थे उनको बढ़ाने का काम करेगी। देखिए एक चीज मैं बता दूं राजीव जी, जो लोग भगवान श्री राम पर, भगवान कृष्ण पर कभी विश्वास नहीं रखते थे, मंदिरों में इसलिए जाते थे कि लड़की छेड़ने की बात करने वाले लोग, आज ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी है कि वो भगवान का नाम भी लेने लगे हैं और भगवान का नाम लेने से ईश्वर ने उनको यह सद्बुद्धि दी है कि वो अपने संभावित हार को जान के इस बार के चुनाव में अपने घर से नहीं निकले। यह तो वही है कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ तू, कहीं सौभाग्य से एक आध सीट जीत गई तो बड़े नेता उसका श्रेय लेंगे, हार गए तो कहेंगे कि हम तो इस चुनाव में गए ही नहीं थे, वो तो हमारे कार्यकर्ता। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक प्रश्न बार बार विपक्ष उठाता है कि योगी आदित्यनाथ जी इस चुनाव में क्यों बार बार जा रहे हैं जी, आप बताइए राजीव जी, जो क्लास का टॉपर बच्चा होता है वो चाहे मंथली टेस्ट हो, चाहे छमाही टेस्ट हो, चाहे सालाना टेस्ट हो, सबको एक गंभीरता से लेता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो या मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हो, या पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसके बाद किसी पद पर है, और संगठन ने ऐसे योग्य कुशल कार्यकर्ता को, संगठनकर्ता को चुनाव में जहां उपयोगिता समझी है वहां पर उनको प्रचार के लिए भेजा है। बराबर, और जिनके अंदर डर है वो अपने घरों में बैठे हैं। सारे मुद्दे आपने रखे, सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में टॉपर बच्चा एग्जाम देने से कभी पीछे नहीं रहता, इसलिए जा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं सर, जिससे कि और भी मुद्दों को हम इसमें शामिल कर पाए। पहले तो पीयूष जी सर आप बताइए, हास्यास्पद है वो ये कह रहे हैं, इस पर तो बात होनी नहीं चाहिए। एक घंटे तक खड़े होने की बात वो कह रहा है, ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें रिप्लेस किया जाता है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन उससे निष्पक्षता पर सवाल उठा देना ये बचकानापन है। नहीं देखिए, जहां तक श्रीवास्तव जी की बात है, वो तो हमने भी कहा कि जो जिस तरह से वो वहां पे वीडियो लिया गया है, क्योंकि अगर आप खुद ही वोट भी दे रहे हैं और वीडियो ले भी रहे हैं तो उसका एक एंगल अलग हो जाता है, और वो लग रहा है कोई दूसरा पर्सन जो है वो वीडियो ले रहा है, और तो वो किसी को अलाउ नहीं होता, सिर्फ जो है कि वोटर है वही जाता है वहां पे। और एक घंटे वाली बात भी साथ में ये डाउट पैदा करती है किस तरह से, लेकिन ये इसको अगर वीडियो को हम अलग भी कर दें तो बहुत से आज की अगर खबरें आप देख लीजिए पूरे दिन भर में, तो एक नहीं बहुत से जगहों से, बहुत से बूथों से ये खबरें आई हैं कि लगातार ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां होंगी। इसके मतलब जो चुनाव आयोग था, वो जो राज्य चुनाव आयोग था, उसने एहतियात नहीं बरती, जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं करी उसने, और मशीनों को पुख्ता नहीं किया उसने, क्योंकि एक घटना हो, दो घटना होती है, एक दो मशीन खराब होती, चलो मानते हैं इतनी घटनाएं नहीं, लेकिन इतनी घटनाएं नहीं होती, तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी या इंटेंशन भी गड़बड़ था, हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई। और जहां तक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, देखिए ये बात जब उठी थी विधानसभा चुनाव के बाद, तो जो मुख्य चुनाव आयोग है उसने भी जब विपक्षी दलों को बुलाया था कि आप लोग खुद टेस्ट कर लीजिए कि इसमें छेड़छाड़ हो सकता है कि नहीं, तो लेकिन देखिए खास बात यह है कि उसने कभी जो है सॉफ्टवेयर को देखने की अनुमति नहीं दी मशीनों को खोलने की,
तो वो देखिए जब तक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जो अंदर होता है उससे छेड़छाड़ कभी भी हो किसी भी स्टेज में हो सकती है। तो लेकिन इसलिए कहा जाता है कि भाई हम चूंकि चुनाव आयोग है उस पर हम कभी कोई शंका नहीं जाहिर कर सकते, लेकिन फिर शंकाएं पैदा होती है मन में, और जब इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं तो मन में पैदा होती है। और जहां तक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई जो टॉपर होता है तो वो हर एग्जाम उसी मुस्तैदी से देता है, बात सही है, लेकिन फिर वो मुस्तैदी कहां गई थी जब योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको चुनाव लड़ना था, तो क्यों उसने पिछले दरवाजे से आए वो, क्यों नहीं वो जनता के पास गए कि हमें चुन के भेजो विधानसभा से, क्यों नहीं गए वो अगर वो टॉपर अपने को मानते रहे, श्रीवास्तव जी उनको टॉपर मानते हैं। तो योगी जी इसलिए जा रहे हैं कि ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 8 महीने हुए हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने सही काम किया है, जनता मेरे पक्ष में है, वो ये जो है इस टेस्ट में पास होना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि पूरी की पूरी नजर अगर अभी ये निकाय चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो 2019 का चुनाव है, कहते हैं इसका महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व होता है इसलिए कि आप वर्कर्स तैयार करते हैं, आप लोकल स्तर पर नेता तैयार करते हैं, लोकल स्तर पर अपना प्रभाव पैदा करते हैं, तो वो तैयारी करने की। जी हाँ बिल्कुल, तो टारगेट इनका वही है। हम अजय सर को जोड़े, इससे पहले जरा हम के पांडे जी को जोड़ना चाहते हैं और एक बार मौका जरा संजीव जी को देना चाहते हैं। के पांडे जी टॉपर स्टूडेंट हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसलिए वो चुनाव में जाने से नहीं घबराते हैं, और आप लोग ठीकरा किस पर फूटेगा इस वजह से घबरा रहे हैं, लिहाजा उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सही बात है, आवाज नहीं। राजीव जी सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा किस पार्टी का कौन नेता चुनाव में जा रहा है नहीं जा रहा है हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि वो टॉपर स्टूडेंट है, हर चुनाव को किसी भी चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, और निश्चित रूप से टॉपर स्टूडेंट योगी जी साबित इसलिए हुए हैं कि वो केरल भी गए और टॉपर स्टूडेंट वो गुजरात भी गए और कई जगह और मॉरिशस तक चुनाव का प्रचार हिंदुस्तान का करने गए, टॉपर स्टूडेंट है, हमें भी इसमें कोई संदेह नहीं है। गोरखपुर में 39% वोटिंग हुई है और 1 तारीख को वहां भी टॉपर स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। और टॉपर स्टूडेंट विकास की बात करते करते उन्होंने 2-3 बातें कहा है जो मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि 6 माह में गरीबों को हमने 7 लाख आवास दिया, या अयोध्या का उनका बयान है, आप ही लोगों की चैनल ने दिखाया है। कल किसी एक साथी ने भाजपा के कहा 11 लाख है, 7 लाख गलती से निकल गया, लेकिन चूंकि मैं मुख्यमंत्री जी की बात को ही कोट करूंगा, 7 लाख। मैं एक चीज वो टॉपर स्टूडेंट से जानना चाहूंगा कि 7 लाख आवास 8 महीने में उत्तर प्रदेश में बन गए तो क्या जो खनन हो रहा था इस अवैध खनन से बने, बालू कहां से आया, गिट्टी कहां से आया, मोरंग कहां से आया, ये मैं जानना चाहूंगा। जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि इसका मतलब है कि अवैध खनन सरकार की देख रेख में हो रहा है, और 7 लाख मकान किसको दे दिए गए, कहां गए, वो भी जनता जानना चाहती है। दूसरी चीज चलिए विद्युत कनेक्शन स्ट्रीट लाइट की बात पे मैं नहीं आता। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं वास्तव में विकास का और भारतीयता का विरोध करते हैं। अब कुछ दिन पहले कहा गया था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं वो विकास का और भारतीयता का विरोध करते हैं, यानी एक और एक चीज और था कि हम किसी भी उस तरह के व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं, इसीलिए सारे अपराधी किस्म के व्यक्तियों को भाजपा ज्वाइन करा लिया जा रहा है ताकि वो बक्सरे की स्थिति न आए, सब शुद्ध हो जाए। दूसरी बात विधान पर अभी पंत जी ने बताया बहुत अच्छी बात की, विधान परिषद से वो गए, विधानसभा लड़ने की हैसियत नहीं बन पाई उनकी, या स्थिति नहीं बन पाई उनकी, या कहीं कहीं चुनाव से डर जैसी स्थिति थी। और हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठना चाहिए। अब या तो यह 8 महीने से चुनाव आयोग निष्पक्ष हो गया या 40 महीने से सीबीआई निष्पक्ष हो गई। इसके पहले कोई तोता होता था, कोई किसी का कुछ हुआ करता था, चुनाव आयोग, अरे हम लोकतंत्र में जीते हैं मरते हैं, यहां अगर एक बटन दबाने पे अगर कई जगह बत्तियां जल रही है तो कहीं कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो सवाल उठेगा। लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर उम्मीदवार भाजपा का अगर कहेगा कि एक संप्रदाय के लोग वोट नहीं देंगे तो खामियाजा भुगतेंगे, चुनाव आयोग आज तक सोया हुआ है, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो कहीं कहीं सवाल उठेगा। और मंदिर भी जाने की बात हुई है, खैर मंदिर का हम नहीं समझते, हो सकता कॉपीराइट किसी का हो गया हो, लेकिन यह सही है कि हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पार्टी और कोई भी ऐसा धर्म और कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जो अपने आराध्य को चौराहे पे खड़ा करके सत्ता पाया हो। लेकिन यह सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को है, मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुख्य रूप से हमारे देश में बसते हैं,
लेकिन चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम हिंदुओं जिस संगठनों में है कोई भी हो, किसी ने अपने आराध्य देव को चौराहे पे नहीं खड़ा किया। 16 बार हमारे भगवान राम चौराहे पे खड़ा करने के बाद बरेली में भाजपा के विधायक राकेश मिश्रा, राजेश मिश्रा द्वारा कहा गया, केशव महोदरा जी जो डिप्टी सीएम है, बड़े ओहदेदार है, उनके सामने कहा गया कि राम और बाबर का यह निकाय का चुनाव हो रहा है, राम को जिताना है, बाबर को भगाना है। मैं समझता हूं कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के देवता राम को इस स्तर पर ले आ दिया गया कि बाबर से तुलना हमारे भगवान की जा रही है। ठीक है सर, जवाब ले, हो जाएगा सर, जवाब ले। संजीव जी को हम जोड़े, इससे पहले हाथ के हाथ आपसे जवाब नहीं हो सकता। नवीन श्रीवास्तव जी से आपकी बात का जवाब सर, तुरंत जवाब लेते हैं। संजीव जी बस आ रहे हैं, ये जवाब पूरा हो जाए। नवीन जी जवाब दीजिए। जी जी, देखिए राजीव जी, कांग्रेस, सपा, बसपा, मुक्त भारत, मुक्त उत्तर प्रदेश की बात जहां चल रही है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कभी ये लोग, कभी एक पार्टी के नेता कहते हैं कि अयोध्या में मैंने गोलियां चलवाई किसी वर्ग विशेष का विश्वास जीतने के लिए, कभी कोई कहता है कि मंदिर में लोग जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, कभी कोई पार्टी की सरकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करती है कि भगवान श्री राम मिथ थे, और जाति स्वरूप तुष्टिकरण, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग आज जहां उनका राजनीतिक धरातल समाप्त देख रहे हैं तो वह इस तरह के आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ एक है कि सबका साथ सबका विकास, हमारी सारी नीतियां, हमारी सारी चीजें सबका साथ और सबका समान विकास में है। हम किसी के तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं रखते हैं जो दूसरों के लिए पहली पसंद है, और इसको लेकर अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है कि आप सबका साथ सबका विकास, सबको समधर्म समभाव से देखते हैं, तो यह उनको झूठ है, वो चाहे जो आरोप लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कल्पना है कि देश में राम राज, भगवान श्री राम आदर्श पुरुषोत्तम महाराज, भगवान श्री राम, और हम यह जब भी कल महात्मा गांधी की भी कल्पना थी कि राम राज्य हो, राम राज मतलब जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हो, सबका समान विकास हो, उस परिकल्पना पर काम करने वाली हमारी पार्टी है। तो भगवान श्री राम का नाम अगर हम कहीं किसी बुराई को समाप्त करने के लिए लेते हैं तो इसमें नहीं लगता है कि मुझको किसी को बहुत आपत्ति होनी चाहिए। भगवान श्री राम इस देश में और देश के बाहर लगने वाले आरोप यह था कि आप बुराई को समाप्त करने के लिए उतना नाम नहीं लेते हैं जितना राजनीति करने के लिए भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनका आरोप यह था। उन्होंने नंबर्स गिनाए कि 16 बार आपने राजनीति में जातिवाद, जातिवाद किसने शुरू किया? मैं छोटा था, सुन लीजिए राजू जी, जब 80 के दशक में मैं इलाहाबाद पढ़ने गया, मुझको सीनियर से बताया था कि 1957 के फूलपुर लोकसभा चुनाव में जो एक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह फूलपुर में खुली जीप पे जनेऊ दिखा के घूमे कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। जातिवाद की राजनीति उस दिन देश में शुरू हुई थी, तुष्टिकरण की राजनीति उस समय से शुरू हुई थी। आप एक वर्ग विशेष को वोट बैंक बना के सारी योजनाओं को बनाना यह शुरू किया था इन लोगों ने, लेकिन इस देश की जनता ने इनकी सारी भावनाओं को समझ लिया और समझ लिया कि यह सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया और इनको जमीन पर पहुंचा दिया। ठीक है, आज जल्दी प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसमें भी अपनी संभावित हार को देख के ये सारे राजनीतिक दल या तो अपने दलों में दुबक गए हैं या इस तरह के अलर्गल आए हैं। एक सोशल मीडिया दिखाई दे रही है, आप सिद्ध करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात होने जा रही हो? संजीव मिश्रा, संभावित हार से आप लोग डर गए हैं, नतीजा ये कि आपके बड़े नेता चुनाव में नहीं उतरे। नहीं नहीं राजीव जी, संभावित हार ही दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई दे रही है जिन्होंने पौने चार साल में जो वादे किए थे लोकसभा के चुनाव में, उनमें कहां एक भी वादे पर खड़े उतरे। 7-8 महीने की उत्तर प्रदेश की सरकार में आज कौन सा ऐसा नया काम इन्होंने शुरू करने की घोषणा कर दी, या कौन सा ऐसा नया काम जिसमें कह दिया कि अपना बजट उसमें लगाएंगे? तो कहने का ये मतलब है कि विकास तो हमने किया था, अखिलेश यादव जी ने किया था, उन विकासवादी चीजों का आप केवल उद्घाटन अभी तक कर पाए, 8 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए। आज गंभीर विषय है, भगवान की बात आती है तो भगवान को तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटते और ये ढिंढोरा पीट करके वोट बैंक और की राजनीति करते हैं। आज बहुत गंभीर विषय ये है राजीव जी, हम भगवान के नाम पर अगर इस तरीके के काम करें, उससे ज्यादा बेहतर था आज गंभीरता से सोचना भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चाहिए था कि गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, गोरखपुर में 39% मतदान क्यों रह गया,
आप भूल गए बीआरटी मेडिकल कॉलेज में ईवी गोरखपुर और आसपास के सैकड़ों बच्चे मारे गए और मर गए और आपके आंख में आंसू नहीं आया, आपके कान पे गूंजू नहीं रहेंगी और आप उनके घरों में जाकर के पुरसा हाल भी नहीं पूछना चाहते, आप उनको कोई अनुदान भी नहीं देना चाहते। वो तो भला हो अखिलेश यादव जी का जिन्होंने 2-2 लाख रुपए की बात कह दी। दूसरी चीज, आज स्थानीय निकाय का चुनाव है, आप बड़ा दंभ भर रहे हो, तो कौन से ऐसे चुनाव में वादे हैं जो वादों पर खरे उतर गए आप? क्या बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में रोजगार दे दिया आपने? क्या देश में महंगाई कम हो गई? क्या विदेशों से काला धन आप ले आए? किस आधार पर और किस बात की बात करते हैं? कौन से खड़े होते हैं? आज तो बात यह होनी चाहिए कि किस गली किस नाली को लेकर आते हैं, अजय जी को चर्चा में लाते हैं, संजीव जी अजय जी को लाते हैं। अजय जी चाहिए तो जरा ये जो विरोधाभास है सर, इसको समझाइएगा अजय जी, आपको ये कैसे नरेट करेंगे कि बकौल नवीन श्रीवास्तव जी मुख्यमंत्री एक टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए वो इम्तिहान देने से नहीं चूक रहे और वो दम जमीन पर चुनाव प्रचार के तौर पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में जो मतदान का प्रतिशत है वो 39 ही है, यानी टॉपर स्टूडेंट का चुनाव में जबरदस्त प्रचार करना और अपने गृह जिले में 39% वोट प्रतिशत होना, इन दोनों में क्या रिश्ता है सर? राजीव देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं बता दूं, 3 पार्टियां और मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज, इन तीनों पार्टियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। 2012 में 12 नगर निगमों के जो चुनाव हुए थे उसमें 10 पर भाजपा, 1 पर निर्दलीय इलाहाबाद से और 1 पर समाजवादी पार्टी बरेली, इसलिए इन तीनों पार्टियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं। पिछले चुनाव में इन पार्टियों ने अपने कांग्रेस को छोड़ के इन दोनों पार्टियों ने अपने सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार सब पार्टियां राजनीति के रूप में अपने अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में। अब एक बात मैं राजीव देख रहा हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पिछले तमाम वर्षों से मैं नगर निगम के चुनाव देखता आया, मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को, राजनाथ सिंह के समय में भी 2002 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, लेकिन उन्होंने कहीं इतना दौरा नहीं किया जितना योगी जी ने हर जिले में जाके, मैं तो कहूं नुक्कड़ सभाओं तक भी उन्होंने किया। अब ठीक है वो टॉपर स्टूडेंट है, सही है, हो सकता है उनके निगाह में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पे लगी है, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई। अखिलेश यादव कहीं चुनाव प्रचार में नहीं गए, राहुल गांधी कहीं चुनाव प्रचार में नहीं गए, मायावती कहीं चुनाव प्रचार में नहीं गई, लेकिन योगी जी, मैं तो परसों इन्हीं के क्षेत्र गोरखपुर में था, जो भीड़ थी जो है वो अलग है, लेकिन उसका परिणाम जो 39% नगर निगम के चुनाव में, राजीव पिछली बार आप देख लीजिए 2012 में 64.79% मतदान हुआ था, पांचों चरण में हुए, 3 चरण में थे, इस बार 5-3 चरण में है, वो अलग की बात है, लेकिन ये चुनाव बिजली पानी और सफाई इन पर होता है, लेकिन आज चुनाव हम लड़ कहां रहे हैं? हम कश्मीर का मुद्दा यहां उठा रहे, हम राम का मुद्दा उठा रहे, हम GST और नोटबंदी उठा रहे, मतलब नगर निगम का चुनाव न हो करके ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो गया, क्या विडंबना है। हम तो ये देखते हैं कि पार्षद के चुनाव में मतदान ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक मोहल्ले से एक एक व्यक्ति खड़ा है, अपने नातेदार रिश्तेदार मित्रों को मतदान केंद्र तक लाता है, लेकिन 39% मात्र 39% योगी जी के अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने जिले में ये स्थिति है। वाकई हमें सर उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि नवीन जी आपकी बात का जवाब देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग जी सर, नवीन जी आप बात का जवाब देंगे, आपके पास बैठे नवीन जी, जवाब दीजिए 39% वोटिंग क्या इशारा कर रही है? एक, और अगर राजनाथ सिंह जी ने प्रचार नहीं किया था जैसे कि तथ्य बता रहे हैं, तो क्या वो टॉपर स्टूडेंट नहीं थे? नहीं राजीव जी, निश्चित रूप से राजनाथ जी हमारे बहुत बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी पार्टी को इस मजबूती से इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि पिछले 15 वर्षों में विपरीत परिस्थितियां प्रदेश और केंद्र में थी, उसके बावजूद नगर निकाय में हम प्रभावी स्थिति में थे, लेकिन
15 सालों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि बैठे थे स्थानीय निकाय में, उनको काम नहीं करने दिया गया, नगरों का विकास नहीं हो पाया। इस बार इसलिए पार्टी इसके लिए कृतसंकल्प है कि इस बार भी स्थानीय निकाय में हम पिछले बार से ज्यादा मजबूती से ताकत में आए, ताकि प्रदेश और केंद्र के द्वारा लागू योजनाओं का ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन करके हम जब सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी ठीक ढंग से विकास हो सके। और राजीव जी, मैं देखिए बहुत राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, निकायों में चुने हुए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के थे, प्रदेश में सपा या बसपा की सरकारें थी, केंद्र से जो पैसे आते थे वो राज्य सरकारों के माध्यम से रुक गए, और स्थानीय निकायों को संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा जो अधिकार मिलने चाहिए थे, उनके आर्थिक और वो अधिकार वो सारे स्क्विज कर लिए गए। चूंकि जो गाड़ियां शहरी क्षेत्रों से गुजरती थी निकायों से, उनसे जो राजस्व वसूली होती थी वो एक बड़ा स्रोत था आर्थिक, वह छीन लिया गया। स्थानीय निकाय के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वह स्थानीय डीएम एसडीएम कमिश्नर पर इतने आधारित हो गए थे कि बिना उनके मर्जी के एक काम मतलब नहीं होता था। बहुत सारी विसंगतियां हो गई, पार्टी का यह प्रयास है कि इस बार सर बहुत सारी विसंगतियां हो गई थी जिस वजह से वो नहीं हो पाया। हमारा यह करने के बाद संविधान 39% गोरखपुर में 39% वोटिंग वो सारा हम दें। ठीक सर, गोरखपुर में 39% वोटिंग, ये क्या है जी? निश्चित देखिए, गोरखपुर में 39% जो वोटिंग हुई है, क्योंकि देखिए हमारे विपक्षी तो पहले ही हार मान चुके हैं, तो वह हो सकता है वोट देने बिना निकले अपने संभाग, जैसे इनके नेता घरों से नहीं निकले उसी तरह तो हो सकता है इनके जो वोटर हो वो भी घर से ना निकले हो, ये तो बात का विषय है। लेकिन गोरखपुर हो या उत्तर प्रदेश या किसी शहर में वोटिंग चाहे जितनी भी हुई हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, और ईश्वर का नाम लेने से कम से कम विपक्ष के लोगों को यह सद्बुद्धि आ गई कि वो अपनी संभावित हार के विषय में जान के, बड़े नेता जब घर में बैठे तो कार्यकर्ता होटल भी घर बैठे थे। ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेने की सद्बुद्धि, ये जवाब नहीं है संजीव यार। सर ये ईश्वर का नाम लेने की सद्बुद्धि, ये बात समझ में नहीं आई, आप किसे कह रहे हैं, किसको सद्बुद्धि आई? नवीन सर किसको आई ये सद्बुद्धि, बात समझ में नहीं आई। देखिए सद्बुद्धि उन लोगों को आए जो भगवान का नाम लेने से डरते थे कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, अयोध्या में हम विकास का कुछ काम करा देंगे, मथुरा वृंदावन में कुछ विकास का काम करा देंगे तो एक वोट बैंक खिसक जाएगा। वह लोग आज भगवान श्री राम का भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगे। जो लोग ये कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं वो मंदिर मंदिर घूम के मत्था टेकने लगे, तो उसी ने कह रहा है कि कम से कम ईश्वर का नाम लेने लगे भगवान श्री राम श्री कृष्ण का, तो ईश्वर ने भी उनको कुछ बुद्धि विवेक दिया और उस बुद्धि विवेक के उपयोग से वो अपने पांडे जी, अब कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, घूम फिर कर वही आ रहे। नवीन श्रीवास्तव जी बार बार ये कह रहे हैं, अब तक की डिबेट में 3 बार कह चुके हैं, पहले ये होता था कोई तुष्टीकरण नहीं है, अब सिर्फ सबका साथ सबका विकास है, और निकाय चुनाव में इतनी ताकत क्यों लगाई जा रही है वो भी ये बता रहे कि बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी, अब ये मौका है जब सेंटर और स्टेट और उसके बाद निकाय में भी एक ही पार्टी की सरकार बनेगी और फिर जबरदस्त विकास होगा। राजीव जी, क्योंकि आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अगर मतलब किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। एक गांव में कहावत है कि नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। एक कहावत है कि जो नया नया होता है तो अपने को साबित करने के लिए कि नहीं मैं हो गया हूं ज्यादा प्रदर्शन करता है। मंदिर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी चूंकि बेचने में भगवान के लगातार करती रही, 16 बार आए, नगर निकाय में भी श्री श्री रविशंकर जी को बुलाया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत देखते हुए सरकार ने अपने को भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया। चलिए इसलिए मंदिर मंदिर जाने की जहां तक बात है, यहां 2 बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा ज्ञानी है, और कम से कम इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि मंदिर जाने और मंदिर में बेचने और मंदिर में आस्था में कितना अंतर होता है, किस पार्टी का किसमें कितना आस्था है। दूसरी चीज, बार बार बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं कि और दल अपनी हार मान चुके हैं कि वह चुनाव में नहीं निकले, तो मैं और दलों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात जरूर जानता हूं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व यहां कर रहा हूं। नगर निकाय के चुनाव में दोनों पत्रकार हमसे बहुत अनुभवी है, यह बताएंगे कि क्या कभी इंदिरा जी निकली थी, कभी राजीव जी निकले थे,
कभी पंडित नेहरू निकले थे, नरसिंह राव निकले थे, सीताराम केसरी निकले थे, ब्रह्मानंद रेड्डी निकले थे, निचलिंगप्पा निकले थे, कामराज अर्स निकले थे, या अगर ये लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अगर निकले रहे हो तो सोनिया जी इस चुनाव में नहीं निकली, निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया। अगर ये लोग निकले रहे हो तो राहुल जी हमारे आता है, सब लोग जानते हैं, हम उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं जाता है, ना सोनिया जी ना राहुल जी किसी भी बाई इलेक्शन में हम नहीं गए। और जहां तक इस चुनाव का सवाल है राजीव जी, आपने भी देखा होगा, पूरे प्रदेश से देखा, जितनी गंभीरता है, रिजल्ट चाहे जो हो लेकिन जितनी गंभीरता से हमने यह चुनाव लड़ा, हमारे जितने स्टार कंपेनर रहे हैं, चाहे रोड शो रहा हो, चाहे मिटिंगें रहे हमारे अध्यक्ष राज बब्बर जी, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब, चाहे प्रमोद तिवारी जी, संजय सिंह जी जैसे तमाम बड़े नेता, प्रदेश का कोई जिला नहीं छोड़े जिन जिलों में 4 से 6 मिटिंगें इन लोगों ने न किया हो। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि अगर इनके मुख्यमंत्री, जैसा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के समय में हुआ, अभी हमारे बड़े साथी ने बताया, अगर वो नहीं निकले, अगर जोगी जी को कहीं कहीं अपने फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जो 39% आज वोट मतलब आज उसने मार्क्स अर्जित किया है, अगर वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को कहीं कहीं शक है, वो निकल रहा है, उससे ये अपनी बात नहीं करते, ये केवल यह थोप रहे कि बड़े नेता और दलों के नहीं निकले। अरे मुझे तो अगर मोदी जी भी प्रचार करने आ जाते तो मुझे कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं था। आप नगर निकाय के चुनाव में प्रचार करो, आप जिला पंचायत के चुनाव में प्रचार करो, या आपकी पार्टी का मामला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम जिस देश में है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व नगर निकाय के चुनाव में प्रचार करता रहा है, प्रचार करेगा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नगर निकाय के चुनाव को कश्मीर से जोड़ने नहीं आया था, गुजरात से जोड़ने नहीं आया था, ठीक है। हम नगर निकाय के चुनाव में नगरीय मुद्दों को लेकर आए, राजीव गांधी ने 2 संशोधन किए, 73वां और 74वां, ठीक है सर, 74वां संशोधन नहीं लागू हुआ। सुन लीजिए, इन्होंने अब तक कहा कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार दिया, अब इनको 3 इंजन की सरकार चाहिए, फिर इनको ग्राम पंचायत में 4 इंजन की सरकार चाहिए, और पता लगा कि सारे इंजन आज भ्रष्ट बैठे पड़े हुए हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सच्चाई स्वीकार करना राजनीति में बुरी बात नहीं है, हमारे मित्र को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए, ठीक है सर। योगी जी, अब जरा एक 40 महीने एक बार पीयूष जी का कमेंट ले लें, एक बार सर एक बार पीयूष जी का कमेंट ले लें, क्या है बड़ी भयावह। के पांडे जी, ठीक है, एक बार पीयूष जी कमेंट ले लें, फिर उधर हम आते हैं। पीयूष जी, ये जो बात कही कि साहब अब कोई तुष्टीकरण नहीं, और निकाय में हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये एक मौका क्रिएट हो रहा है जिसमें हम डेवलपमेंट को उसके अंजाम तक ले जा पाएंगे, क्या ये आपको लगता है कि अब कोई तुष्टीकरण नहीं और अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात है? अगर नहीं है तो फिर कैराना मंदिर, रविशंकर, ये सिर्फ इसी निकाय चुनाव में क्यों है साहब? नहीं राजीव जी, देखिए निश्चित रूप से चाहे श्रीवास्तव जी कितना भी कहें, लेकिन तुष्टीकरण तो निश्चित रूप से है। और तुष्टीकरण ये क्या है, ये तो खुद ये तो योगी जी जब से आए हैं तो उनका एक एजेंडा तो यही है कि हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है, हिंदू कंसोलिडेशन की बात हो रही है, हिंदू जो वोट बैंक है उसको, और उसी के लिए हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए कैराना की बात नहीं आती, अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए अयोध्या में जो है महापर्व दिवाली का नहीं मनाया जाता, इतना सरकारी पैसा नहीं, सारे मंत्री वहां नहीं पहुंचते, सरकारी पैसा खर्चा नहीं किया जाता, क्या तुक था वहां अयोध्या में दिवाली मनाने का, ये संदेश देना था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जरूरत थी कि आपने जो है कि वो वृंदावन और जो है क्या नाम मथुरा बरसाने को आपने वहां पर वो तीर्थ स्थल डिक्लेयर कर दिया वहां पे, जबकि मथुरा एक माना जाता है, वैसे बनारस में जाते ही लोग हैं एक तीर्थ के, लेकिन बकायदा पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने तीर्थ स्थल दो को बना दिया है, तो ये संदेश आप क्या दे रहे हैं? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योगी जी जो है कि ये अपना एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है और जो है 2019 के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो देखिए इतने कैंपेनिंग करें। आप देखिए कोई भी काम करे, दूसरा ये मथुरा और ये वृंदावन और बरसाने को जो तीर्थ स्थल बनाया है और वहां पे शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड की बैन कर दिया गया है, तो यहाँ पे एक देखिए एक जो शुरू से आए हैं जो योगी जी की एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम करने की एक मैसेज ये भी है कि जो मीट कौन बेचता है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड कौन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर समुदाय, तो उसको उसकी रोजी रोटी खत्म कर देना, उस पर जो है अटैक करना। लेकिन कुछ तुष्टीकरण तो नहीं हो रहा है ना सर? तुष्टीकरण तो हिंदुत्वों का हो रहा है, देखो मुसलमानों के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया, तो
ये तुष्टिकरण होगा कि हमने देखो धार्मिक स्थलों का कितना विकास कर दिया, हमने इसको तीर्थस्थल बना दिया आपके लिए। तो धर्म के आधार पे, एक धर्म के आधार पे आप काम कर रहे हैं, न कि सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं, न कि बिजली 24 घंटे आए उसका प्रयास कर रहे हैं। आपने डिक्लेयर तो कर दिया, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। न तो आप ये कर रहे हैं कि पानी स्वच्छ मिले, जो कि देखिए नगर पालिका नगर निकाय के जो मुद्दे होते हैं, हालांकि इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में कहा भी है कि हम जो है कि जो सफाई पर ध्यान देंगे, हम जो है कि जो पिंक टॉयलेट बनाएंगे महिलाओं के लिए, हम वाईफाई कुछ स्थानों पर करेंगे, तमाम इस तरह की। लेकिन अंत में यही बात आती है कि जो आप जो है कैराना का मसला उठा लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप देखिए तमाम जो है इतना हत्याएं हो रही, तमाम आपको देखिए अभी नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, उसके पहले लखनऊ में हो चुका है, तो ये तमाम हो रही, लेकिन आप जो है उसको नहीं कुछ देख रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव जो सीधे सीधे जो एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए ये हिंदुओं का राष्ट्र है, और यही इन्होंने देखिए एक बात और कही योगी जी ने कि यहाँ मुद्दे ये हैं, और इसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा भी इन्होंने जोड़ा, नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है, ये अगर आप बात कर रहे हैं तो आप तो लगातार लोकसभा चुनाव से बात कर रहे हैं कि राष्ट्र है तो नगर रहेंगे ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर नगर कैसे रहेंगे। नहीं राष्ट्र तो रहेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ मुद्दा जो है कि आपकी जो है सड़क नालियां भर जाती हैं, यहाँ मुद्दा जरा सा पानी बरसता है तो जो है कि तमाम इलाके जो है वहाँ पानी भर जाता है, यहाँ सफाई है, तमाम सड़कें कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं होती है, जो ट्रैफिक कंजेशन है वो मामला है, गंदगी मामला है, ठीक है सर, आपको पानी स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं नहीं मिल रहा है ये मामला है, ठीक है तो ये तमाम मामले ये अजय जी को सर एक बार जोड़े। अजय जी आपने जिक्र किया कि साहब योगी जी ने ये चुनाव अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है, लेकिन आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हो गया, जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमारे सामने है, हो सकता है अगले दो चरणों में मिला जुला के ठीक हो जाए या 2012 के आसपास पहुंच जाए, उससे आगे निकल जाए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लग क्या रहा है कि जितना जोर लग रहा है उसमें प्रतिष्ठा बचेगी बढ़ेगी या फिर उस पर कुठारा घात होगा, संकेत क्या मिल रहे हैं जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग है, जिस तरह से लोकल इश्यूज गायब हैं, जिस तरह से पूरी सरकार लगी है, वो एक मैसेज क्या दे रहा है कि बढ़ जाएगा 2019 में इससे भी बढ़ चढ़कर होगा, एक धारा बदलने की कोशिश होगी, हम जरा मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इन चीजों पर ये इशारा है, देखे पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है तो हम साइड थोड़ा चेंज करें, लग क्या रहा है अभी। देखिए राजीव बहुत बड़ी बात है कि ये नगर निगम के चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है योगी जी ने, और अभी निश्चित रूप से दो लोकसभा के बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने, एक स्वयं उनके अपने गोरखपुर में और एक यहाँ पर अपने मौर्या जी हैं इलाहाबाद के बगल में, वहां से दो लोकसभा के चुनाव होने, विधान परिषद के चुनाव बाकी है वो भी अभी होने, सारी चीजें सारी ताकत इस समय योगी जी ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए लगा रखा है कि अगर ये नगर निगम के चुनाव 16 में से वो 12 या 11 या जो पिछले 2012 में थे वो अगर स्थिर करते तो वो कहेंगे कि हाँ हमने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो माहौल जो स्थितियां, क्योंकि इस बार एक और सबसे बड़ा कारण है, पिछले चुनाव तक ना तो समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ती थी और ना बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर लड़ती थी, नतीजा यह होता था इन पार्टियों के कई कई कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हो जाते थे और उनके वोटों का बंटवारा हो जाता था। इस बार मैं देख रहा हूं कई क्षेत्र, लखनऊ के ऐसे क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी दमदारी से लड़ रहे, क्योंकि उनका एक ही कैंडिडेट खड़ा है, एक ही, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के, ये बात सही है कि उनके बड़े नेता नहीं निकले, वो भी कहते हैं कि जब हम बाई इलेक्शन तक नहीं जाते तो हम क्यों इसमें जाते, लोकल लोग हैं, लोकल लोग चुनाव लड़े। लेकिन जहां तक योगी जी का प्रश्न है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी इसमें रखा, जगह जगह जाकर के हिंदुत्व का मुद्दा भी रखा, अभी जो गोरखपुर में परसों मीटिंग थी मैं वहां मौजूद था, उस मीटिंग में उन्होंने यही कहा, फिर वहां राम का नाम लिया कि जो राम का नहीं होगा वो इस देश का क्या होगा। इस तरह की बात आप स्थानीय निकाय के चुनाव में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि आपकी कहीं से आपकी जमीन खिसक रही है। आपसे बता रहा हूं, स्वयं 39% की वोटिंग गोरखपुर जैसे जगह,
जहां वो कह रहे हैं कि हाँ उनका अपना प्रत्याशी जीत का योग है, लेकिन अयोध्या देख लीजिए, बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है अयोध्या में, वहां एक किन्नर मैदान में है और मैं गया अभी, जिस तरह से वो सबको किन्नर नचा रहा है, परिणाम आएंगे, हो सकता है गोरखपुर में भी एक बार एक किन्नर जीत चुका है महापौर का चुनाव, तो जब ये स्थिति आएगी तो भाई लोक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस सरकार के प्रति, अपनी सरकार के प्रति नाराजगी है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, वो भी इसलिए नाराज है, बहुत सारे फैक्टर, उनका कोई काम नहीं हो रहा। अजय जी बहुत सारे फैक्टर आपने सिद्धांत बताया जा रहा सर, बहुत सारे फैक्टर आपने गिरा दिए, इंटरेस्टिंग होगा काम के, वो इंटरेस्टिंग होगा 1 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फिर विश्लेषण करना, इनको थोड़ी नसीहत मिले, विश्लेषण करना इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा 1 तारीख को जब इन्हीं ईवीएम से वोट बाहर आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया के पांडे जी, अजय जी और पीयूष जी आज की इस डिबेट में आने के लिए और प्राइम एजेंडा की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहले चरण का चुनाव आज खत्म हो गया, 55% वोट पड़ा, 26 को दूसरा और 29 को तीसरा चरण है, 1 को नतीजे, और उन नतीजों में यह पता लगेगा कि पहली परीक्षा में, पहले इम्तिहान में प्रतिष्ठा बचती है या बढ़ती है। आज के प्राइम एजेंडा में बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं।